दिल्ली में फिर से सीलिंग का सितम। एनजीटी के आदेश पर शुरू हुई सीलिंग। सीलिंग के खौफ से व्यापारियों में डर। चुनावों से पहले क्या होगा दिल्ली का हाल। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बीच एनजीटी की नजरें अवैध इंडस्ट्रीज पर पड़ी हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की माने तो दिल्ली की करीब 4000 औद्योगिक इकाइयां सीलिंग के जद में आ सकती हैं। ये इकाइयां दिल्ली के रिहायशी इलाकों में चल रही है। दिल्ली के करोल बाग में रिहायशी इलाकों में चल रही औद्योगिक गतिविधियों पर गाज गिरनी शुरू हो चुकी है। हालांकि नॉर्थ एमसीडी ने लोगों को सीलिंग की मार से बचाने के लिए 39 सड़कों को नोटिफाइड करने के लिए मंजूरी दी है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली का व्यापारी वर्ग चिंता में है। हमें बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर लोडिंग अनलोडिंग, अब ये सीलिंग की तलवार हमारे सिर के ऊपर टांग दी गई है। हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि हमें किस जुर्म की सजा दी जा रही है। हम एक छोटे से व्यापारी हैं, हम व्यापार नहीं कर पा रहे। तो वही ऐसा ही बुरा हाल पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के व्यापारियों का भी है। एशिया के सबसे बड़े रेडीमेड कपड़ा मार्केट गांधीनगर के व्यापारी एनजीटी के आदेश के बाद टेंशन में हैं। हालांकि इन व्यापारियों की टेंशन सेलिंग की आड़ में उगाही करने में जुटे एमसीडी कर्मचारियों को लेकर भी है। नोटिस भेज भेज के फैक्ट्रियों को सीलिंग कर रहे हैं। सीलिंग का डर दिखा के निगम के अधिकारी लोगों से पैसा ऐंठते हैं और क्षेत्र में भय व्याप्त कर रखा है इन्होंने। जबकि हमारा जो कपड़े का व्यवसाय है पूरा हाउस होल्ड के अंदर आता है, किसी तरह का भी पॉल्यूशन कपड़े से नहीं फैलता, लेकिन जबरदस्ती लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ जो लोग अपना परिवार चला रहे हैं, छोटे छोटे लोगों ने व्यवसाय कर रखे हैं, जबकि दिल्ली भारत सरकार ने इसमें हाउस होल्ड के अंदर थोड़ी सी 11 किलोवाट और 9 कारीगरों के साथ काम करने की इजाजत भी दे दी है। वैसे दिल्ली में चुनावों से पहले सीलिंग को लेकर सरकार भी चिंतित है। दिल्ली सरकार जानती है कि अगर अगले कुछ दिनों में सीलिंग की कार्रवाई ने जोर पकड़ा तो इसका असर चुनावों पर जरूर पड़ेगा। फिलहाल गेंद एमसीडी के पाले में है और देखना यही है कि निगम में शासित बीजेपी क्या वाकई सड़कों को नोटिफाइड करके व्यापारियों को सीलिंग से राहत दिला पाती है, या फिर दिल्ली में सीलिंग का सितम चुनावों पर कोई बुरा असर डाल सकता है। नई दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट।